सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो फाइनली 2023 यामा R15M अपने पास अवेलेबल हो चुकी है। टोटल तीन वेरिएंट्स में ही R15 सीरीज अभी भी अवेलेबल रहने वाली है। R15 V3 यानी कि R15S, R15 V4 जो कि बाइक अपने पास रेड कलर में अवेलेबल है, फिर टॉप ऑफ द लाइन आ जाता है R15M। सो 2023 वाले अपडेट्स के साथ बाइक आ चुकी है। यहाँ पर अब आप लोगों को LED फ्लैशर्स भी मिल जाता है, प्लस कलर TFT स्क्रीन भी मिल जाता है, जो कि आप लोगों को सिर्फ R15M में ही अवेलेबल रहने वाला है। V4 भी अपने पास अवेलेबल है, तो V4 का भी मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ किस टाइप का पूरा MID का सेटअप रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बाइक की प्राइसिंग से। तो प्राइस रहने वाली है 2.39 ऑन रोड जयपुर। सो देख सकते हो 2.39, लगभग 2.36 पहले इसकी प्राइस हुआ करती थी। सो लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये का डिफरेंस अब इस बाइक में आ चुका है। स्टार्ट करते हैं की से। सो कुछ की का सेटअप सेम है जैसा कि पहले भी आया करता था। यामा की सभी बाइक्स में, सभी स्कूटी में सेम ही आप लोगों को सेटअप अवेलेबल रहता है। तो ये है भाई इस बाइक का मेजर अपडेट। TFT स्क्रीन कलर्ड में आप लोगों को पूरा सेटअप मिल चुका है। इग्निशन अपना रेगुलर जगह पे ही है। इग्निशन के साथ ये कुछ अपना लाइटिंग सेटअप ऑन रहने वाला है। सो कंप्लीट लाइटिंग सेटअप अब यहाँ पे हो चुका है LED में, और उसी के साथ साथ हजार्ड का ऑप्शन भी आप लोगों को यहाँ पर इनबिल्ड मिल जाता है। सो ये रहा भाई अपना LED फ्लैशर्स का ऑन होने के बाद लुक, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। सो ये रहा कंप्लीट लाइटिंग सेटअप अपना LED में हो चुका है अब, और LED में ही आप लोगों को यहाँ पर DRL भी मिलने वाले हैं। हेडलैम्प सेटअप, LED प्रोजेक्टर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे थ्रो के साथ आप लोगों को मिलने वाला है। फ्रंट सेटअप देखते हैं, तो फ्रंट मडगार्ड का सेटअप आप लोगों को सेम पहले जैसा ही है, या फिर कह सकते हो ओवरऑल बाइक जो है वो पहले की तरह ही आप लोगों को मिलती है। दो अपडेट है, एक अपना रहा LED फ्लैशर्स और दूसरा हो जाता है अपना कलर TFT स्क्रीन। बाकी मैकेनिकली सब कुछ आप लोगों को सेम है, वही 18.4 BHP का पावर आप लोगों को अभी भी मिलने वाला है। KYB का सस्पेंशन फ्रंट आप लोगों को मिल जाता है, जो कि R15M में पहले से ही अवेलेबल था ही। और ये रहा भाई सस्पेंशन का अपना ट्रैवल, काफ़ी अच्छी सिटिंग आप लोगों को मिल जाती है, प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाला फील यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। फ्रंट डिस्क की बात करते हैं, तो वही सेम साइज है, 282mm का फ्रंट डिस्क मिल जाता है। बाइब्री की ब्रेकिंग के साथ ड्यूल चैनल ABS भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। MRF का ये टायर रहने वाला है, और टायर की ग्रेडिंग है 100 सेक्शन का फ्रंट है, 140 सेक्शन का आपका रियर है। अभी अपन रियर वाला भी देखते हैं और बाइक स्टार्ट करके भी देखते हैं। इस टाइप का अपना टायर का पैटर्न रहने वाला है, और अलॉयज R15M में सिल्वर कलर ऑप्शन में आप लोगों को मिलते हैं ग्लॉसी ब्लू फिनिश में। R15M का स्टिकरिंग आप लोगों को मिल जाती है। ये रहा अपना सेमी डार्क विंडस्क्रीन, जो कि आप लोग आफ्टर मार्केट रिप्लेस करवा सकते हो, मतलब अपना कलर्स अकॉर्डिंग, और हाइट भी इसका आप लोगों को साइज भी डिफरेंट मिल जाता है। इस टाइप से रियर व्यू मिरर रहने वाले हैं। ये आ जाता है अपना नंबर प्लेट का क्लैम्प। सो फ्रंट अपना कंप्लीट हो चुका है। साइड प्रोफाइल से देखते हैं, तो साइड प्रोफाइल से एक प्रॉपर आप लोगों को स्पोर्ट्स बाइक वाला फील आ जाता है। सीट हाइट 815mm आप लोगों को मिल जाती है। उसी के साथ साथ जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, ये भी अपना पहले की तरह ही है। 11 लीटर का फ्यूल टैंक आप लोगों को मिल जाता है। फुली फेयर्ड लुक में R15M, या फिर कह सकते हो V4S आप लोगों को मिलती है। तो काफ़ी अच्छा एरिया भी ना ये फेयर्ड वाला पार्ट कवर कर लेता है। स्टिकरिंग देख लेते हैं, R15M क्विक शिफ्टर आप लोगों को यहाँ पर स्टिकरिंग मिल जाती है। बाइक में क्विक शिफ्टर मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, लैप टाइमर मोड भी आप लोगों को मिल जाता है, और दो राइडिंग मोड भी मिल जाते हैं, ट्रैक मोड और स्ट्रीट मोड, प्लस MID भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव अब पहले के कंपैरिजन में हो चुका है। एग्जॉस्ट का सेटअप देखते हैं, तो सिल्वर फिनिश में, जो कि बाइक का थीम है, मतलब ये कलर थीम आप लोगों को सिर्फ R15M में ही मिलता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को एग्जॉस्ट पे हीट शील्ड भी रहने वाली है, फाइबर में ही है, पर ये अपना रहने वाला है सिल्वर फिनिश में। प्लस स्विंग आर्म जो है, यह भी आप लोगों को ना सिल्वर फिनिश में ही रहने वाला है, और एल्यूमिनियम में, जिससे कि बाइक का वेट काफ़ी कम हो जाता है। तो पावर टू वेट रेशियो ना इस बाइक का काफ़ी अलग बन जाता है, इसीलिए भाई इसको बेस्ट 150cc बाइक कहा जाता है। और मेरी पर्सनल फेवरेट अगर आप बाइक पूछोगे इस सेगमेंट में, 150cc सेगमेंट में, भाई क्विक शिफ्टर ये ना वो लैप टाइमर पता नहीं क्या कुछ आप लोगों को इस बाइक में मिल जाता है, तो बेस्ट ऑप्शन ये हो जाता है। रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन आप लोगों को मिलने वाला है, येलो ही कलर में, सारे ही कलर ऑप्शन के साथ रहने वाला है। रियर टायर का सेटअप देखते हैं, पैटर्न आपका कुछ इस टाइप का है भाई, MRF का ये टायर रहने वाला है, और टायर की ग्रेडिंग रहने वाली है 140 सेक्शन का रियर है, 100 सेक्शन का अपना फ्रंट है, वही 17 अपना रियर है, और 17 ही आपका फ्रंट रहने वाला है। इस टाइप से रियर टेल टाइडी का लुक पूरा आने वाला है। टेल लैंप ऑन है और हजार्ड भी ऑन है, तो यहाँ से आप लोग ज़्यादा देख सकते हो। ये रहे भाई आपके LED फ्लैशर्स। इस टाइप से अपना नंबर प्लेट की पूरा यहाँ पर प्लेसिंग आ जाती है। नंबर प्लेट का जो बल्ब है ये हैलोजन में रहने वाला है, ये LED आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आ जाता है अपना रिफ्लेक्टर, जो कि मैंडेटरी वाला पार्ट है। ड्यूल में टायर अगर आप लोगों को मिल जाता है, जो कि आप लोग रिमूव भी कर सकते हो। रियर फेयरिंग पे VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, यहाँ पर आप लोगों को स्टिकरिंग मिल जाती है। R15M की पूरी आप लोगों को ना एम्ब्रॉयडरी वाला मार्किंग सीट पे मिल जाता है, जो कि सिर्फ अपने को R15M में ही मिलता है। V4 में, S में ये चीज़ आप लोगों को नहीं रहती। प्लस
जो कार्बन वाला ये फैब्रिक है सीट का, ये भी सिर्फ R15M में ही अपने को मिलने वाला है। रियर फेयरिंग वही अपना एयर वेंट्स का भी काम करती है, जिससे कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी बाइक की काफ़ी अच्छी हो जाती है और की होल मिल जाता है सीट ओपन करने के लिए। यहाँ आ जाता है एक स्ट्रैप पिलियन के लिए, क्योंकि बाइक में एज सच कोई ना ग्रेव रेल अवेलेबल नहीं रहने वाली। फुटपैक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्पोर्टी लुक पूरा पूरा आता है, प्लस कॉम्पैक्ट साइज में ये रहने वाले हैं। और रियर ब्रेक का मास्टर सिलेंडर की प्लेसिंग इस एल्यूमिनियम वाले पार्ट के पीछे रहने वाली है। इंजन देख सकते हो कितना ज़्यादा विजिबल है। और एक अच्छी चीज़ जो आप लोगों को फील होगा, ऑयल चेंज के लिए सेपरेट एक विंडो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है, जिससे कि बार बार ना फेयरिंग आप लोगों को ओपन ना करना पड़े, क्योंकि जो गैप्स है ये टाइम के साथ ना फाइबर पार्ट के थोड़े से गैप एक्स्ट्रा होते रहते हैं। जितना अपन इसको ओपन करेंगे, जितना खोलेंगे, उतना ये गैप ना बढ़ते रहते हैं। तो ये आप लोगों को ऑयल चेक एक ऑयल चेंज के लिए कैप बाहर ही मिल जाता है, जिससे कि दिक्कत अपने ना हो। अपोजिट साइड से देख लेते हैं, फिर बात करते हैं मेजर चीज़ की, जो कि रहने वाला है MID सेटअप। सो चेन का सेटअप ओपन वाला ही है, वही आप लोगों को उस पॉकेट का साइज़ है जैसा कि पहले भी आया करता था, काफ़ी अच्छा साइज़ मिल जाता है। ये रही भाई क्विक शिफ्टर का पूरा आप लोगों को असेंबली। क्विक शिफ्टर यहाँ पर आप लोगों को कंपनी से इनबिल्ट स्टैंडर्ड मिल जाता है R15M में और V4 के ब्लू वाले कलर में। बाकी के R15 सीरीज़ में, जिस V4 सीरीज़ में आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो कंपनी से ही एक्स्ट्रा 6 to 7,000 एक्स्ट्रा पे करके। साइड स्टैंड मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ। तो ये हुआ अपना पूरा सेटअप कंप्लीट। यहाँ से देख सकते हो स्विंग आर्म ना सिल्वर कलर में आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है, और सिल्वर और ब्लू का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा जाता है। छोटा पार्ट आ जाता है जो कि अपना साड़ी गार्ड वाला रहने वाला है। अब एम में आप लोगों को ना जो स्विचेज हैं ये भी चेंज होने वाले हैं। सो नया वाला सेटअप कुछ अपना इस टाइप का रहने वाला है। 3-in-1 एक स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, हाई बीम लो बीम प्लस पास वाला इस टाइप से। तो ये अपना को यहाँ पर मिल जाता है, प्लस एक आप लोगों को ये तीन स्विच मिल जाते हैं जो कि रहने वाले हैं MID से रिलेटेड। ये है अपना इंडिकेटर इस टाइप से, ड्यूल बजर में काफ़ी लाउड हॉर्न भी आप लोगों को मिल जाता है। राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर, 3-in-1 आप लोगों को स्विच किया जाता है। ये अपना हजार्ड लैंप का स्विच। पहले वाले वर्जन्स में यहाँ पर आप लोगों को ट्रिप और एक इन्फो वाला स्विच मिला करता था, जो कि MID से रिलेटेड रहता था, पर अब ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर आ चुका है। MID का स्टार्टअप पहले चेक कर लेते हैं। सो ये है अपना MID का पूरा स्टार्टअप यामाहा, इस टाइप से पूरा एक वेलकम वाला फीचर आता है। अभी अपना हजार्ड ऑन है, तो यहाँ पर आप लोगों को इंडिकेटर ब्लिंकर मिल रहे हैं। साइड में सारी वार्निंग लाइट्स आप लोगों को मिल जाती है। गियर इंडिकेटर, क्विक शिफ्टर, यहाँ पर आप लोगों को पूरा मार्किंग देखने को मिलती है। TCS ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। ये रहा अपना क्लॉक, RPM मीटर आ जाता है, प्लस ये रहा अपना स्पीडोमीटर, ये रहा आपका फ्यूल गेज। 11 लीटर का टोटल फ्यूल गेज रहना, फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाली है। यहाँ पर अभी ऑडोमीटर शो हो रहा है और अभी यहाँ पर बैटरी वोल्टेज शो हो रहा है। सो अब चेक करते हैं इन स्विचेस का काम क्या रहने वाला है। सो यहाँ से आप लोगों को ज़्यादा विजिबल रहेगा। सो ये देखते हैं, ये आ गया अपना कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल ट्रिप। फ्यूल ट्रिप का मतलब ये है कि अपना कितना फ्यूल, इसको आप एक रेंज के तौर पे भी देख सकते हो। करंट फ्यूल लेवल भी यहाँ पर चेक कर रहा है कि अभी आपकी बाइक में कितना फ्यूल है और कितना बाइक चल सकती है। तो ये भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, 100 किलोमीटर पर बाइक ने कितना फ्यूल कंज्यूम किया, एवरेज स्पीड आपकी क्या रही, वो चीज़ आ रही है। बैटरी वोल्टेज और कूलेंट टेम्परेचर। अब आ जाते हैं दूसरे वाले स्विच पे। तो ये जो अपना स्विच है, इससे आप लोगों को ऑडोमीटर और ट्रिप मीटर एक्सेस होगा। ट्रिप टू, ट्रिप अपना ऑडोमीटर और ट्रिप वन, ये आ जाता है आपका यहाँ पर। अब आ जाते हैं इसमें। तो ये आ गया भाई आपका लैप टाइमर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये पूरा लैप टाइमर चल रहा है। लेटेस्ट लैप अभी यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है, और ये आ जाता है आपका फास्टेस्ट लैप। तो इस टाइप से ये लैप टाइमर मोड भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। सो आप कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट और सुनते हैं एग्जॉस्ट साउंड किस टाइप का रहने वाला है। सो वन टच स्टार्ट यहाँ पे अपने को मिलेगा, और काफ़ी स्मूथ स्टार्टअप भी बाइक का ना अपने को मिलने वाला है। और हेडलैम्प ऑन होने के बाद ये रहा भाई अपना लुक। प्रोजेक्टर अभी ऑन है, अब थोड़ा सा रेव कर लेते हैं। नेक्स्ट लेवल स्मूथनेस है भाई, वाइब्रेशंस भी ना इस बाइक से काफ़ी कम आप लोगों को मिलने वाले हैं। और ये रहा अपना MID, इससे बाहर निकलते हैं। अब देख सको ये आ रहा अपना RPM मीटर। सो काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन भी ना इसका MID सेटअप का पूरा बनाया, और काफ़ी अच्छा एरिया भी, साइज भी ना इसका काफ़ी अच्छा हो चुका है। टैंक पे देख लेते हैं, तो टैंक का शेप भी आप लोगों को R1 इंस्पायर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। स्पेशली ये जो फिंस वाला पार्ट है, ये हुआ यामाहा का क्रोम वाला लोगो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। R15M की एक क्रोम वाला, एक 3D वाला एम्बलम यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आप लोगों को बाइक में मिलती है। उसका स्टिकर यहाँ आ गया, ये अपना वार्निंग वाला स्टिकर, प्लस ये रहा अपना फ्यूल गेज विथ की होल पिक कवरिंग। सेंटर वाला पार्ट ग्लॉसी ब्लैक यानी कि पियानो ब्लैक फिनिश में आप लोगों को मिलता है। स्टिकरिंग का काम एक ब्लू स्ट्रिप वाला लोगो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और बाकी ओवरऑल टैंक अपना रहने वाला है फाइबर में सिल्वर फिनिश।
देश में। तो ये हुआ, बाकी ये वाला पार्ट अपना जो MID के साइड वाला पार्ट है ये आप लोगों को रहने वाला है मैट ब्लैक फिनिश में। तो टैंक फ्यूल टैंक कैपेसिटी अपनी रहने वाली है 11 लीटर की। सो ये हुआ भाई अपना एक R15 के बारे में, R15M के बारे में सारी डिटेल्स कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की, फिर करते हैं वीडियो को एंड। सो 155cc का लिक्विड कूल्ड SOSC 4 वॉल्व इंजन आप लोगों का अपने मिलने वाला है 6-speed गियरबॉक्स के साथ। पावर की बात करते हैं तो 18.4 BHP का पीक पावर है और 14.2 Nm का आप लोगों को अपर टॉर्क मिलने वाला है। तो पावर फिगर सेम है जैसा कि पहले भी आया करता था। बाइक का जो टोटल वेट रहने वाला है वो रहने वाला है 142 kg। तो पावर टू वेट रेशो बाइक का आप लोगों को काफ़ी अच्छा फील होगा। माइलेज जो रहने वाला है जो कंपनी क्लेम करती है वो रहने वाला है लगभग 40 से लेकर के 42 के अराउंड। सो इतना ही बाइक इजीली आप लोगों को देके जाएगी। सो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, यूजफुल आप लोगों के लिए रहा हो तो शेयर भी अपने दोस्तों के साथ आप लोग कर सकते हो। तो करते हैं अपने ये वाला वीडियो एंड और मिलते अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।